आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की खबरें काफी समय से आती रही है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आरएसएस योगी का हमेशा सपोर्ट करती है। ऊपर से जिस तरह से ये कहते हैं कि बीजेपी के दिग्गज योगी को साइड करना चाहते हैं, ऐसे में आरएसएस योगी का साथ दे रही है। इसी बीच योगी को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए आरएसएस ने एक तगड़ा प्लान बनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा झटका लगा था, जहां बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी। ऐसे में ये उपचुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, जिसके लिए आरएसएस तगड़ा प्लान लेकर आया है। जिस तरह से हरियाणा में आरएसएस ने अपने प्लान से बीजेपी को जिताया था, वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में करने का प्लान बनाया जा रहा है। आरएसएस ने बनाया टोली प्लान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए संघ टोली प्लान की रणनीति लेकर आया है, जिसके तहत कार्यकर्ता टोली बनाकर घर घर लोगों से संपर्क करेंगे। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां के इलाकों में संघ के कार्यकर्ता छोटी छोटी टोलियां बनाकर अलग अलग इलाकों में जाएंगे और लोगों के साथ बैठकें करेंगे। एक टोली में 5 से 10 लोगों के ग्रुप होंगे, जो लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये कार्यकर्ता सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन करने के बजाय लोगों से सुशासन, राष्ट्रहित, हिंदुत्व, विकास और लोक कल्याण के मुद्दों पर बात करेंगे और उनकी राय को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। योगी के बयान का भी होगा इस्तेमाल। इसके अलावा आरएसएस के इस प्लान में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे के बयान का भी इस्तेमाल होगा। लोगों को सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब अच्छे से समझाया जाएगा कि इस बयान के पीछे का मतलब क्या है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बात की जाएगी, सभी जातियों और समुदायों के लोगों से बात की जाएगी। अब जिस तरह से आरएसएस ने मोर्चा संभालते हुए हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाई थी, उसके बाद से कहा जा रहा है अब यूपी चुनाव में ऐसा ही होगा और आरएसएस ही योगी को उपचुनाव में जीत दिलाएगा इस तगड़े प्लान से। फिलहाल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के वक्त कहा गया था कि बीजेपी घमंड में थी, इसीलिए आरएसएस की एक भी नहीं सुनी गई, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, जिसके बाद आरएसएस की असली वैल्यू बीजेपी को समझ आई। जैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ और बीजेपी को आरएसएस का सहारा लेना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि अब आरएसएस सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रही है, क्योंकि बीजेपी का हाल लोकसभा में बेहाल हो गया था, जिसके बाद बीजेपी को आरएसएस की वैल्यू समझ आ गई है। बात योगी की करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा, उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ठहराया गया था। खबरें तो यहां तक चली थी कि योगी से उनकी सीएम की कुर्सी तक छीन ली जाएगी, लेकिन आरएसएस योगी के सपोर्ट में थी, यही कारण है कि योगी के सीएम की कुर्सी बच गई थी। और अब एक बार फिर से योगी के लिए आरएसएस एक प्लान लेकर आई है। आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस का टोली प्लान योगी की मदद उपचुनाव में कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।